हे गाइस, वेलकम टू बूस्ट अप। आज है 21 जून, ठीक है। और रोज मैं सुबह लेके आता हूँ डेली वो कैप सुबह 7:30 पे, ठीक है गाइस। तो हम लोग मूव करते हैं अपने फर्स्ट वर्ड पे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है? कंपोज, कंपोराइज, गठन करना, गठित करना, किसी भी चीज का गठन करना हो, कोई सभा हो, कोई भी चीज हो, उसका गठन करना, यानी उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बनाना, कंपोज करना, ये चीज से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अंडरकट। अंडरकट मतलब होता है किसी भी चीज के दाम में गिरावट आ जाना, अचानक से गिरावट आ जाना, उसको अंडरकट, अंडरबीट बोला जाता है, या हम लोग बोल सकते हैं उसको लोअर, ठीक है, प्राइस लोअरिंग कर देना, कम कर देना, ये चीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्पीड। इम्पीड मतलब होता है बाधा डालना, डीले कर देना, किसी भी चीज को डीले कर देना, रोक देना, प्रिवेंट, टाल देना किसी भी चीज को कुछ समय के लिए, तो उसको होता है इम्पीड। किसी अड़चन डाल देना किसी भी काम में, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इम्पीड। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है वीसीएस। वीसीएस मतलब काफी जो सातिर लोग होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। वीसीएस मतलब काफी सातिर, डेलिबरेटली क्रूएल, वायलेंट, इसका हो जाएगा साइनोनिम्स, ठीक है, सातिर होता है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है रैनसेक। रैनसेक मतलब होता है कॉजिंग डैमेज। रैनसेक का मतलब क्या होता है? कॉजिंग डैमेज मतलब लूटना, लूट मार करना, तोड़ फोड़ कर देना, वो चीज होता है हमारा रैनसेक, मतलब कॉजिंग डैमेज। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एजालेंट। एजालेंट मतलब होता है आक्रमण करने वाला, यानी आक्रमण संबंधी, यानी अ पर्सन हु फिजिकली अटैक अनदर, ठीक है, एक ऐसा पर्सन हो जो फिजिकली अटैक करता है किसी दूसरे पे, उसको एजालेंट, हमलावर बोला जाता है, एजालेंट उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है विसिनिटी। विसिनिटी मतलब आसपास का जो भी चीज होता है, हमारा सराउंडिंग जो होता है उसको हम लोग आसपास बोलते हैं, विसिनिटी बोला जाता है, ठीक है। विसिनिटी मतलब हमारे आसपास की चीजें, आसपास, आस पड़ोस जो भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ओवरचर। ओवरच्यू, इसको ओवरचर बोला जाता है, ठीक है। ओवरचर मतलब होता है प्रस्तावना, प्रस्तावना, प्रिल्यूड बोला जाता है। ओवरचर मतलब होता है संधि प्रस्ताव, किसी भी चीज का जो संधि प्रस्ताव होता है, जैसे युद्ध का हो गया, या किसी भी देश से एक दूसरे से ओवरचर मिलता है, यानी संधि प्रस्ताव मिलता है, उसको ओवरचर बोला जाता है, या प्रिल्यूड बोला जाता है, एक प्रस्तावना, जैसे संविधान में हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना, उसी की तरह है ये। नेक्स्ट है हमारा कॉनकोट, ठीक है, कॉनकोक्ट है, कॉनकोट, ठीक है। इसका मतलब होता है गढ़ना किसी चीज का, योजना बनाना, ठीक है, योजना बनाना या निर्माण करना, फैब्रिकेट, ये चीज हो जाता है हमारा कॉनकोट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है ग्लूम। ग्लूम मतलब होता है पूरी तरह से उदासी, कोई सैडनेस में चला गया है, डिप्रेस्ड हो गया है, डिस्पोडेंसी हो गई है उसको, ठीक है, टोटल डार्कनेस जिसको बोला जाता है, मतलब बुरी तरह से कोई आदमी उदास हो गया है, ठीक है, वो उसको हम लोग बोलते हैं टोटल डार्कनेस, या डिप्रेशन भी बोला जाता है, डिस्परेटेड भी बोला जाता है, डिपेंडेंसी भी बोला जाता है, इसका काफी उदास जो लोग हो जाते हैं उनके लिए यूज किया जाता है ग्लूम, ठीक है गाइज। तो ये थे हमारे टोटल 10 वर्ड्स ऑफ द डे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।